तपाईको ग्राउन्ड जिरो यति बेला रौतहटको बजेटमा छ। रौतहटको भीट बनाल्ने यति बेला हामी रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकको हजिमिनिया गाउँमा छु। हजिमिनियाको यो हजिमिनिया चौकमा छु। हजिमिनिया चौक हेर्न सक्नुहुन्छ, यो वीरेन्द्र राजमार्ग हाइवे हाइवेको छेउमा चिया पसल छ। चिया पसलमा के छ राजनीतिक माहौल, राजनीतिक मुड के छ, पुरै देश नै निर्वाचनको तयारी गर्दैछ, तर ग्राउन्ड जिरोमा जनताको मुड, जनताको माहौल, जनतासँग हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा के छ जनताको मुड, जनताको विचार के छ चुनावी माहौलको बारेमा हामी यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, कति नाम बाप्ने? हाम्रो जलिल। जलिल जी बताऊ, वोट आगे चुनाव, पूरा देश चुनाव को तैयारी कर रहा है, पाँच वर्ष में अपने जो वोट दे रहा थी, ये कैमे वोट दे रहा थी? एक कलम छाप में। कलम छाप में फैम दोनों पूछ लिया, मतलब कैमे वोट दी थी, कई बार दिली? तीसरा बार। तीसरा बार दी थी। तीसरा बार में अगर पूछे तो देखा जाए परिवर्तन, पाँच साल में कुछ परिवर्तन, अपने के एज लगभग 50 हो गए थे, कुछ परिवर्तन होता कति कति देख ली? हल्का मल्का। कति कति? हल्का मल्का, ये रोड शोड दूसरा का। कति कति रोड कति बन लगा अपने? नाला रोड गांव गांव में। कौन गांव में नाला बन रहा है? यहू में बन रही, ओहो गांव में बन रही, सब पंचायत में बन रही। सब पंचायत में बन रही। कहा जाए कि मुख्य समस्या रौतहट जिला के मुख्य समस्या कति कति सबसे बेसी समस्या, हमेशा हर एक साल जो लोग के परेशान कर रहे, वो समस्या कति कति? समस्या तो यहाँ सबसे बड़ा है कि नेपाल में तो मधेश वाला के खाद पानी के समस्या है। खाद पानी की समस्या है, और भी समस्या? बहुत समस्या है। मतलब इस समस्या के समाधान, जैसे लोग कहा कि मेन समस्या है कि बाढ़ी नियंत्रण की, यहाँ पे खाद पानी ना मिला, नदी करान करवा, इस समस्या के बारे में अभी तक सुन में बाकी समस्या वही लिखा, वही लिखा बाकी, अभी वही लिखा बा। मतलब मुख्य समस्या जो उनकी नदी कटान बाकी, वो भी वही लिखा बाकी, हर एक साल धारा वाले। तब अब जब वोट दे रहा थी, कथी के मुद्दा पर वोट करोगे अपने? कथी के मुद्दा पर वोट? सीधे वोट किया था, पाँच साल के बाद में मौका वाले। अब तब जीत के से पहले वाला भाग गए, चल गए, कोई एक जिला बाहर चला गए, अब फिर अब सब लोग के विचार है कि फिर माधव नेपाल के वोट दियो, विश्वास है कि फिर काम होता ही, विश्वास है कि फिर काम होता ही। धन्यवाद। जैसे मैं यहाँ को ग्राउंड जीरो रियलिटी, जनता को माहौल मूड के छ, जनता को माहौल के छ, ते जानना को लगी हमी यहाँ आईपुगे छो, विशेष यहाँ को जनता संग हमी जानने प्रयास करते छो। नमस्कार। नमस्कार। नाम अपने के? मेरा नाम मसूद आलम। अपने भाषा में बोलू, लोगों के पानी की जरूरत है, हम सब लोग बुझा लेंगे अपने की भाषा। अच्छा बोलू। अच्छा ये बताऊ, चुनाव आ गए, वोट हो वाला आई के मालूम है ना? हाँ। वोट के अभी बहुत कम दिन के, तो ये वोट के अगर बात कर रहे थे, कथी के मुद्दा पर अपने वोट कर रहा थी? कथी के विषय में अपने हमरे से पूछ रहे थी, अपने पूछो हमसे। आपसे हमरे पूछे बारे, जैसे हो वाले देश में वोट वाले के, विकास के मुद्दा पर वाले, समृद्धि के मुद्दा पर वाले, जाति के धर्म के भी कुछ कुछ नेता था, जाति धर्म के भी मुद्दे ला बोले के, तो ओ में अपने कथी के मुद्दा पर वोट करब ये आबे वाला चुनाव में? हम तो स्वतंत्र पे करब। स्वतंत्र कथी अपने कथी मतलब हो चाहना? शांति, सुरक्षा, आराम, लोगों का व्यवस्था, गरीबी हटाओ। तो पाँच साल में कथी कथी हट लाई सब? हाँ कुछ हट लई है, कैसे ना कुछ हट लई, पाँच साल में हर एक साल चुनाव हट लई है। हम तो कुछ ना देखे छी। कथी कथी ना देख लिया? मतलब कथी जो पहलका रोड है वही रोड पे चले छी। पहलका रोड लिखा चौबी पे चले छी? हाँ। कैसे? कैसे रोड ढलान में लेंगे? कहाँ रोड नया बना खुलल बा? कौन रोड नया खुलल बा हमको बताओ ना। ना खुलल गांव में राजा का रास्ता ना बा? कौन गांव में जा के रास्ता ना बा? कौन गांव में जाके रास्ता बा? मतलब गांव में रोड ना, अपने गांव में देखो ना, मोटर जाके रास्ता बा, अपने गांव में देखो ना, ना गाड़ी जाके रास्ता बा, गली कुची सब बा, उन्हें कोने इमरजेंसी आई थे जाई एम्बुलेंस ना सकले ना। सच बोले जुनून जी, हम जाकर चेक करा, अपने चेक करू, आप अपने जाके चेक करू। सही बात है, समस्या के बारे में, किसान सब के समस्या हो गया, फोटो खींचू चलो हम, चलो हम एक बात शूटिंग अलग बात में चली थी, किसान सब के समस्या के बारे में अपने के पाँच साल में जो परिवर्तन देख ली खाली, वो खाली हम लगाओ। हम पाँच साल में क्या, पच्चीस साल के जैसे का तैसे देख लीजिए, चलो तो एम्बुलेंस चलो। तो ये बारे में कथी कहते, पच्चीस साल के बाद कहते कहे छी हम। इस बारे में जो वोट दे भाई, तो कथी के मुद्दा पर वोट करबे? हाँ जो ने ये रोड को बनाए, जो एम्बुलेंस रोड खोली, ओकरा में हम वोट दे। पच्चीस साल से एम्बुलेंस रोड ना खोले, फिर पाँच साल में ना चलो ना फोटो खींचो।
हम चलम के बाद इशनुवा का लेछि त हम चलम वोट में अथी उ भाई हम अथी करे रोड पे फोटो खींच चलम उना का खराबी बा नेता का खराबी बा मुखिया के खराबी बा सरपंच के खराबी बा कथा कोना के खराबी बा के एम्बुलेंस ना जाए वाला बात ये अपने गांव के लोग से जानि लोग कॉलेज फोटो दे वाली कॉलेज के जाति धर्म के मुद्दा पर कॉलेज विकास पर ना जाई छी सनियत पर जाई छी हम कथी के कथी बनेबे अपने वोट कथी बनेबे कथी तरीका पर जो रोड बनाई जो एम्बुलेंस जाए वाला रास्ता बनाई तो ओमे नाम वोट देबा तो एम्बुलेंस जाए वाला रास्ता है यार 5 साल में मतलब मुखिया बन लई मेयर बन लई 25 साल में ना भेल लई 25 साल में ना भेल 5 साल में कथी भेल लई पूर्व से लेके पश्चिम तक रोड खोले के चाहिए बमदार खोले के चाहिए खुल रही है वो अथी वीरेंद्र खुल रही है की फिर खुल रही कथी से पहले खुल ले प्रधान जब से पंचायत व्यवस्था आ रही है उकरे से पहले वो रोड खुल रही है कि बाद में खुल रही है तो पहले है क्या तो फिर कौन रोड ऑलरेडी है तो फिर दूसरा रोड कौन जरूरी है जरूरी ना बीच में जरूरी ना है कौन रोड कहाँ से कहाँ जरूरी बताओ यहाँ से बीरगंज तक जरूरी है बीरगंज तक रोड बन रही है बीरगंज कहाँ बन रही है यहाँ से बन रही है बमले से बन रही है वो तो पहले का बजट का बन रही है अभी का बजट का बन रही है पहले का बजट बन रही है तो और ना तो कटे अच्छा मुख्य समस्या बात करल जाए इस क्षेत्र के समस्या के बारे में अभी तक कौन नेता बात छपा के करे छी हम अपने से पूछे बारे बात कहू पूरा बात कौन बात पूरा बात कौन गाय अपने रही छे लड़ाई दी गेल हम ला जाऊ कहां ला डेराऊ कहां ला कौन आगे गोली ठोक दी का गोली ठोक फिर अपने जब बात करे छी वो अथी जवाब न दे रहल छी कुछ खुल के बोल रहल छी जवाब कितना जवाब दूं आपको समस्या कथी कथी बता समस्या क्या क्या बताइए आप समस्या है आपका समस्या इच्छा तरह समस्या उसका उसका बीच में भी एक रोड होना चाहिए 5 साल के बीच में या 10 साल के बीच में आज ये पंचायत व्यवस्था गया कितना साल हुआ उससे पहले का वो रोड है यहाँ बीच में कहाँ रोड है मतलब नया रोड भी होना चाहिए नया प्रधानमंत्री आता था नया होना चाहिए कि नहीं चाहिए एक काम व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं प्रधानमंत्री यार फिर प्रधानमंत्री लड़ रहा है यहाँ अथी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल भी लड़ रहा है की यहाँ के क्षेत्र के भाई फूटे तो गवा लूटे मतलब अपने कहेगा मतलब कथी अब केपीए बोले हम लोग तो थे कांग्रेस के फिर चले गए एमाले में एमाले में गया फिर भाई फूट तो उसमें हो गया भाई लूट कौन भाई कौन फूट कौन लूट आज के दोनों भाई नहीं है केपी ओली मदन पाल केपी अलग पार्टी होला अलग पार्टी होला अलग हो गया तो वही तो कहते हैं भाई फूटे तो गवार लूटे भाई फूटे तो गवार लूटे मतलब काहे के मतलब वोट का हमने जिला की बात करू की पार्टी की बात करू भाई फूट गया तो जिला लूट गया तो रोड बन गया फूटा बना कहां बना रोड 5 साल के अंदर कोई बताए हमको तो फिर फोटो वाला कौन है के वोट करेंगे बेचारे के कौन नेता के अपने पसंद के वो इसलिए तो बोले हैं न्यूट्रल के जो स्वतंत्र वाला उम्मीदवार को वोट करोगे अपने तो और का कोई लड़ाई ना झगड़ा ना मारवाड़ी ना स्वतंत्र उम्मीदवार को वोट करोगे एकदम स्वतंत्र आराम का स्वतंत्र जिसको बोलते हैं आराम कौन छाप मालूम कौन याद छाप आज से कौन छाप रहो ना उससे क्या मतलब है स्वतंत्र होना चाहिए स्वतंत्र में फिर अगर जीत के भी जाए तो कुछ ना कर सके लेकिन आवाज ना सुनी संसद में हाँ तो सीधा साधा का कौन आवाज सुनता है इस दुनिया में ना तो अगर एक आदमी के जीता के भेजे स्वतंत्र है तो कौन ना कौन पार्टी के तो पार्लियामेंट में आवाज आवाज करता है तो कौन ना सुनता है छीट फुटुआ लूट पुटुआ नेता सब है मतलब काम के हिसाब से ना कौन नहीं नहीं के धन्यवाद विशेष धन्यवाद फिर आइएगा फिर बोलेंगे धन्यवाद विशेष जानकारी हम लेते रौतहट को निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 मा के माहौल जनता को मूड के चुनावी माहौल के जानना को हम आई पुगे नमस्कार नाम अपने सफरुल बताओ वोट हो रहा है जनता के मूड अगर बात करा जाए तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में कौन पार्टी के बेसी बोलबाला है यहाँ एक एक नंबर क्षेत्र में माधव नंदन नेपाल के कलम छाप के बोलबाला वोट यहाँ कोकरे में मिली अन्य पार्टी के न में मिली इसलिए ये माधव नंदन नेपाल में ये खूबी बा ये हमने के काम कैलक है पुल बनलक है पुल के बात ऐसे पहले 5 बरस पहले
ये सांसद रहे अनिल झा एक नंबर क्षेत्र के तो वो का कहले जे कुछ काम न कैलक जनता के चाहल काठमांडू गेल फिर काठमांडू से छोड़ के अलग तो कैसे जनता के चाहट में जे ना हमनी अपन जिला के बारू अपन घर के बारू अपन जिला से लड़ू हमनी के चाहना पूरा करू तो वे सब जनता के चाहट भेल है काठमांडू से बुला के उनका के लिए अली हमनी एक नंबर क्षेत्र से लड़ू हमनी के वोट देम वोट दे के फूल बहमत से जीता के हमनी के काठमांडू अपने के भेजम। धन्यवाद वैसे भी नियो ग्राउंड जीरो विशेष सरकारी हम लेते छौ यहां को स्थानीय नागरिक हर संग चिया फसल में जा छौ। नमस्कार नमस्कार वोट आ गई के मतलब केने बा ठीक जंदर साहब नेता साहब अलग ना सब ठीक है बा ठीक है बा ठीक है विकास न होत बा प्रतिगति विकास न होत कैसे कैसे विकास सब बा गनी गरीब पे कोनो चीज आवले तो इने के सभी नेता खा जाले कोनो के कोनो काम न कोले फिर पार्लियामेंट में होनो रे फिर एमपी के वोट होई देगे तो फिर डायबिटीज के पैसा हाल तक जमा नहीं थे खा गए कोनो गरीब को न मिलल आज ले ए बार कोना के कौन पार्टी की वोट करके अब विचार करे के पड़ते के रख देवे को जो निगत लागते करे के देवे को विचार अपन विचार करबे की लोगों से विचार करबे के देश में तो सबसे अच्छा ओली लाग लई है विकास कर लई है बनिया प्रतिगति कर लई बा पूरा रास्ता बना पूरे देश में 5 साल में कर लई है 5 साल में कभी और विकास कर लई है विकास क्षेत्र के मदन कुमार नेपाल भी विकास कर लई हां वो ना पार्टी ठीक है मदन कुमार का हिमालय का पार्टी ठीक है बाकी सब बेकार है हो गए उतना बोली हिमालय का पार्टी ठीक है हिमालय का पार्टी ठीक है क्या है विकास करे में बनिया है गनी गरब का भला करे में बनिया है कांग्रेस पार्टी भी है अच्छा हमारे एक चीज हमें को जवाब से जवाब से देने बताइए पैसे पड़े नाम है गठबंधन कह रहे नहीं समझ ली चार को चोर मिल करके एगो चोर खड़ा कर ले समझ ली लोकसभा का नाम है कि चार को चोर करके चोर के मिल करके एक दो चोर खड़ा कर ले तो उनमें कौन आदमी पसंद ना आएगी नेता ओमे पसंद नहीं कौन के ना पसंद नहीं तो अपने कौन नेता पसंद हुआ तब तो ये जमाने हम ओली के जैसा।